थाना छावनी की डीआरएम कॉलोनी के पास सुंदरनगर में पिछले 8 महीने से खोदी गई सड़क, जिसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा बरसाती पानी की निकासी के लिए डाले गए पाइपलाइन के कारण सड़क पूरी तरह बुरे हाल में है। पाइपलाइन डालने के लिए डिपार्टमेंट द्वारा टाइलों की सड़क को पूरी तरह खोद दिया गया है, जिससे लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। लोग पिछले कई माह से, खासकर बरसात के दिनों में, भारी मुसीबतों का सामना करते हुए निकल रहे हैं। डीआरएम कॉलोनी के पास स्थित सुंदरनगर और चंद्रपुरी बरसातों के मौसम में कॉलोनी में पानी भर जाता है। इसी के लिए मंत्री अनिल विज ने इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा प्रोजेक्ट को तैयार करवा कर इस एरिया में पाइपलाइन डालने का काम शुरू किया। यह काम अब से 7 महीने पहले शुरू किया गया। इसके लिए कॉलोनी में बनी सड़क को खोद दिया गया और पाइपलाइन बिछा दी गई, और पाइपलाइन डालने के इतने महीनों बाद विभाग इसको दोबारा दुरुस्त करना भूल ही गया है, जिससे लोगों को बहुत ही तकलीफ हो रही है। जरा सी बरसात में ही यह सड़क कीचड़ से भर जाती है और लोगों के लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। मेरा नाम शीला है, मैं सुंदरनगर से बोल रहे हैं। यहाँ पे पहले इन्होंने सड़क खोदी थी, पूरा पानी पानी भरा हुआ था। ये वो सी ब्रिज के लिए खोदा था, फिर काफी टाइम वो करा, उसके बाद इन्होंने मिट्टी डाली और अभी तक सड़क नहीं बनाई। चारों तरफ पानी पानी, हमारे घर के आगे भी इतना पानी हो रखा है, ना सड़क बना रहे। ये हमारी सड़क को 4 साल हो गए, ना ये बनी ना ये बनी, कोई भी सड़क नहीं बना रहे। ऊपर अनिल विज के पास भी गए, बड़े अफसरों के पास भी गए, ठेकेदारों के पास भी गए, आते हैं देखते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। ये साल होने वाला, साल से भी ऊपर ही होगा। पहले उन्होंने सारी टाइलें उखाड़ दी थी, उसके बाद यहाँ 6 महीने तो पानी भरा रहा। जब बोला मीडिया वालों को दोबारा, तब उन्होंने थोड़ा सा ये काम करा और उसके बाद मिट्टी डलवाई, और ये देख लो कैसी हो रखी, उबड़ खाबड़। लोग जाते रात को, कोई ना कोई, कितनी कार, कितनी मोटरसाइकिल धस जाती इसके अंदर, कितनी बार गिरी भी गए लोग। पहले पानी था तो सांप बिच्छू ये चीजें थी, अब लोग फिसल फिसल के गिर रहे, धस रही है गाड़ियां अंदर, कई बार कितनी चोटें लग गई। मैं नाम मोहन वर्मा है जी, मलकेंड के सुंदरनगर में शॉप है मेरी। यहाँ की सड़क 6-7 महीने हो गए जी फाड़ रखी है, उससे पहले टाइलें फाड़ रखी थी, साल भर ही हो गया उस हिसाब से लगा के, तो काम छिड़े हुए तो 7 महीने हो गए, लेकिन 7 महीने में सड़क नहीं बनी, उसका क्या फायदा। स्थिति ऐसी हो गई है, मीडिया को बुला लो तो थोड़ा बहुत काम हो जाता है, वरना ऐसे झुके तो पड़ा जाता। अफसर आते हैं वो कहते हैं ये काम चल रहा है जी, चल रहा है, ये काम करते करते ये स्थिति आई है कि यहाँ पर आने आने का रास्ता बिल्कुल नहीं छोड़ रखा है। बाइक जाती है, स्कूटर जाता है, किसी गाड़ियाँ फंस जाती है, किसी कुछ फंस जाता है। रात भी रात को आने की बहुत परेशानी है, रात को कोई किसी का मिसहैपनिंग हो जाए, कुछ डिलीवरी केस है, कुछ भी है, तो जाने आने में बहुत परेशानी है। यहाँ साधन कोई नहीं है। यहाँ अधिकारी सबसे मिलते रहते हैं जी, कभी किसी को फ़ोन करते, कभी किसी को फ़ोन करते, जब फ़ोन करते हैं तो कहते हैं हाँ जी आ जाएंगे जी, कर देंगे जी, हो रहा है जी काम, तो थोड़ा सा करते हैं। जब फ़ोन करते हैं तो उस दिन आ जाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं। उसके बाद अभी भी आई थी लेबर, आई भी थी, थोड़ा बहुत काम करके गई है, ये थोड़ी बहुत गड्ढे गड्ढे करके गई है, बाकी स्थिति आप देख ही रहो, गड्ढे वैसे झुके तू हैं, हल्की हल्की कसी चलाई है, और वो हल्की लेबर भी अभी यहीं बैठी हुई है, मोटरसाइकिल खड़ी है उनकी वहाँ पे, अभी वो मोड़ पे बैठी हैं, अभी कसियाँ लेके बैठे हैं, आराम से अपना टाइम पास कर रहे हैं। कॉलोनियों में रहने वाले नागरिकों ने बताया कि यह सड़क पाइपलाइन डालने के लिए 7 महीने पहले खोदी गई थी। पाइपलाइन डालने के बाद भी इसको अभी तक दोबारा नहीं बनाया गया है, जिससे थोड़ी सी बरसात होने पर भी यह सड़क पूरी तरह कीचड़ से भर जाती है और पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्दी ही सड़क को बनवा कर उन्हें समस्या से निजात दिलाएं। प्रेम कुमार गुप्ता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वाटर सर्विस डिवीजन, अम्बाला में पहुंची हूं, इरिगेशन डिपार्टमेंट से। हाल ही ये हमारा मई में लगभग काम स्टार्ट हुआ था। नीचे वाटर लेवल बहुत ज़्यादा होने के कारण से पूरी स्लस बनी हुई थी और यहाँ प्रॉब्लम्स भी काफ़ी थी। वाटर पाइपलाइन, अमृत की लाइन सबको निकाला हमने, बल्कि वाटर पाइपलाइन तो प्लास्टिक की थी। पब्लिक हेल्थ से हमने DI के पाइप लेके उसको पहले ऊपर फिक्स किया सारा, ताकि किसी को पानी की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब उस पाइप को हम अगर अंदर डाल देते उसी टाइम, तो इन फ्यूचर वो टूट जाती और ऊपर उस पर कंक्रीट की रोड बननी है, जो कि विलेजर्स की डिमांड पे ही चेंज की गई। पहले बिटुमेंस की रोड थी जो कि पानी के कारण से टूट जाती थी, क्योंकि वो पूरा फ्लडेड एरिया है। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड भी उठा के देखो, उस सड़क से कभी पानी नहीं हटा। ठीक है, मंत्री जी के कहने पर ये सारा ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इस सीजन में थोड़ी सी दिक्कत आई है, ये जल्दी काम स्टार्ट हो रहा है। वहाँ पाइपलाइन हमने अंदर कर दी सारी, अमृत वाली लाइन पे काम चल रहा है, इसके बाद इसको कंक्रीट की रोड बनाएंगे और कभी भी आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ये लगभग नवंबर एंड तक हम सारी रोड बना देंगे इसको।
दो।